आयुर्वेद के महर्षि सुश्रुत द फादर ऑफ सर्जरी जिन्हें एलोपैथ भी सर्जरी का जनक मानता है, लेकिन इसके बावजूद भी आयुर्वेद के डॉक्टर्स को सर्जरी करने की इजाज़त नहीं है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे महर्षि सुश्रुत के बारे में, उनके आयुर्वेद के योगदान के बारे में। जितना हो सके उतना ध्यान से सुनना ताकि आप भी गर्व से कह सकें हम उस देश के वासी जिसने दुनिया को सर्जरी यानी ऑपरेशन करने की खोज दी। आयुर्वेद में सर्जरी के इतिहास की बात करें तो महर्षि सुश्रुत को सर्जरी का जनक माना जाता है। जब पश्चिमी देश सभ्यता के संकट से जूझ रहे थे, तब ही 2500 साल पहले सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में सर्जरी के 100 से ज्यादा तरीके लिख दिए। इतना ही नहीं, देश के एलोपैथिक चिकित्सक भी महर्षि सुश्रुत को ही सर्जरी का जनक मानते हैं। मॉडर्न सर्जरी की किताबों तक में महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी माना जाता है। इनका जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में काशी में हुआ था। इन्हें विश्वामित्र के कुल का वंशज कहा जाता है। इनके समय में न ही आज के जैसे प्रयोगशाला हुआ करते थे और न ही कुछ खास उपकरण, लेकिन अपने ज्ञान से इन्होंने कई औजारों का भी खोज किया जिसे ऑपरेशन करने में आसानी हो। कुछ लोगों का मानना है इनके काल में बहुत से युद्ध हुआ करते थे जिससे लोग घायल और कभी कभी तो उनके अंग बहुत ज्यादा ही कट फट जाते थे। उनको ठीक करने के लिए चीर फाड़ करना पड़ता था जिससे उन लोगों को बहुत पीड़ा सहनी पड़ती थी। पीड़ा को दूर करने के लिए औषधियों का प्रयोग किया जाता था क्योंकि उस समय बहुत कठिनाई से चुभे हुए तीर आदि को निकाला जाता। दोस्तों, जहाँ समस्या होती है वहाँ समाधान होता है और जहाँ समाधान होता है वहाँ होता है आविष्कार। तो फिर आचार्य सुश्रुत ने अपनी मेहनत से शल्य चिकित्सा में निपुणता हासिल की। उन्होंने शरीर के विभिन्न अंगों को सुरक्षित एवं सावधानी पूर्वक चीर फाट के लिए 101 यंत्रों एवं उपकरणों का भी विकास किया था जिनमें से आज भी बहुत से उपकरणों को प्रयोग किया जाता है। इन्होंने शल्य चिकित्सा के बाद शरीर को वापस सीने की तकनीक भी विकसित की थी।